उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर परिसर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों को लेकर आला अधिकारियों से न सिर्फ रूपरेखा तैयार करवाई बल्कि किस तरह से विकास की गति को और तेज किया जा सके इस पर भी चर्चा की है। इसके बाद उन्होंने सीएमओ ऑफिस में बने एएनएम सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि रायबरेली को वह प्रदेश का नंबर वन जिला बनाएंगे, इसके लिए वह प्रयासरत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को पटरी पर लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। सरकारी अस्पतालों में आया हुआ मरीज उनके लिए भगवान है, सभी को समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके इस पर कार्य किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी खामियां मिल रही हैं उनको दूर करने का भी काम किया जा रहा है। लखनऊ से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। एक तो घिनौना मार्ग का विषय आया जो 90 अरसे से लोगों की मांग थी, मैंने अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि मैं एक बार से इसको कराऊंगा और डीएम ने भी इस विषय को रखा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भी इस विषय को रखा। इसके अलावा जल जीवन मिशन महत्वपूर्ण विषय था जिसको सख्ती से 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। बरेली के विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा हुई है। सभी विभागों के बारे में जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको हमने जाना है। जो कार्य धीरे चल रहे थे उनकी प्रगति तेज करने के लिए कहा गया है। रायबरेली में अपराध शून्य करना है। यहाँ किसी भी स्थिति में कानून से किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।